भाई बेसिकली आपसे उस तरह सामान लेने के लिए आए थे, बट मुझे भी इतना कुछ पसंद आ गया। बकेट में देख सकते हैं एक बार आप। मुझे बहुत मेन बात भी आप लोगों के साथ करनी है। आगे देखते हैं कैसा लगता है, बट मैं खाऊं कैसे अभी, चल इसको निकाल के खाते हैं। सब्सक्राइबर प्लीज कर दीजिए, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम लोग इंडिया से बाहर चलेंगे। एक और नई सुबह, एक और नया दिन, कैसे हैं आप लोग? तो भाई आज फाइनली शुरू कर दी है डेली व्लॉगिंग भी, कि आज मैं घर पे हूँ, कहीं बाहर नहीं गया हूँ। तो आज मैं आपको सबसे पहले कराऊंगा अपने छोटू से घर का छोटू सा हाउस टूर, तो पहले देखिएगा भाई, ठीक है? और बाकी मैं कहाँ रहता हूँ एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। तो आज से डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी है, आपको बोर होने बिल्कुल नहीं दूंगा, ठीक है? और अभी मैं प्लान क्या कर रहा हूँ, बहुत शानदार प्लान कर रहा हूँ फ्यूचर के लिए, उसको सुन के ज़रूर जाइएगा, ठीक है? कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहा हूँ, दिल्ली टू लंदन तो सभी जाते हैं, मैं कहीं और का प्लान कर रहा हूँ तो आप लोग को वो भी एक बार बताऊँगा, ठीक है? तो पहले स्टार्टिंग है, 2 से 3 मिनट के अंदर ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, मतलब हाउस टूर को ख़त्म करते हैं, उसके बाद मेन मुद्दे की बात करेंगे आपसे। तो चलिए चलते हैं आपको नीचे लेकर। मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर कर जाना, कुछ पढ़ने लायक लिख जाना या कुछ लिखने लायक कर जाना। अगर आप लोग भी ऐसे ही डेली मिनी कॉर्ड्स अब्दुल कलाम सर के सुनना चाहते हैं मेरी आवाज़ के अंदर, तो नीचे ये चैनल आ रहा है, ये चैनल आप ही का है, अब्दुल कलाम के नाम से ये चैनल है बेसिकली। तो इस चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर डेली आप लोगों को ऐसे ही मिनी कॉर्ड्स मिलते हैं अब्दुल कलाम सर के, जिससे आप लोग को मोटिवेशन फील होता है। तो अब चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो चलिए भाई, आप बेसिकली देख सकते हैं ये हमारा टेरिस का गेट है, तो इसको ओपन कर लेते हैं भाई, और यहाँ से लॉक करके चलते हैं नीचे। अरे हो जा भाई, हो जा, इसको ताकत चाहिए शायद। फाइनली हो चुका है, ठीक है? तो एक बार ये छत पे स्टोर छोटा सा बना रखा है, आप देख सकते हैं, मतलब अभी भाई इतना अच्छा घर बना हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी थैंक टू गॉड कि उसने ये तो अता करा। और चलते हैं आप लोग को सेकंड फ्लोर पे लेकर टेरिस से। ये अभी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी यहाँ पे अभी कुछ हम इसको इनोवेट नहीं कराया है, रेनोवेशन वगैरह इसके अंदर अभी कुछ नहीं हुई है। सामने देख सकते हैं बारिश बहुत तेज थी भाई, दीवार के अंदर पानी भी आ चुका है। ओके, वैसे छोटे वाले भाई का पूरा फ्लोर कह सकते हैं आप, और बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ अभी अपने फ्लोर पर। और भाई ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपना छोटा सा रूम टूर। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूँ अपने बेडरूम में, एक बार वो भी आप देख लें कि छोटा सा मेरा बेडरूम कैसा है, अंधेरा हो रहा है भाई। भाई देख सकते हैं ये छोटा सा, अच्छा पहले गैस करके बताइए सामने कौन सा हीरो का फोटो मैंने लगा रखा है, जल्दी गैस करके बताएं। ओके, तो एक बार देख लीजिए भाई, रूम टूर भी कर लीजिए। ये ऐसे मैंने POP करा रखी है, और बाकी ये मेरा बेड है, और ये छोटा सा अपना ड्रेसिंग टेबल इसे आप कह सकते हैं, और बाकी ये है हम। अरे कहाँ से देखूँ, हाँ जी, तो बताइए भाई कैसा लगा रूम टूर देख के आप लोगों को। प्लीज़ कोई नेगेटिव कमेंट मत करना जैसे मैं ब्लॉग बनाना छोड़ दूँ, जैसे भी आपको लगा जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे बता दीजिए, ठीक है? तो ये बेडरूम आप लोगों ने देख लिया होगा, बाकी मुझे अभी आपसे बहुत ज़्यादा मेन बात करनी है। मेन बात क्या है, मैं कुछ प्लानिंग करने की सोच रहा हूँ फ्यूचर को लेकर, बहुत शानदार प्लानिंग करने वाला हूँ, तो पूरा प्लान मैं क्या बना रहा हूँ वो दिखाऊँगा अभी आप लोगों को। तो चलिए एक बार आप लोग ड्राइंग रूम भी देख लीजिए, कुछ इस तरीके का भाई छोटू सा बना रखा है।
यहीं पे हमने साइड से डीप फ्रीजर भी रखी हुई है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये चीज़ क्या है? अगर समझ गए हैं ये चीज़ क्या है कमेंट करके बताइए। बेसिकली इसकी जगह यहाँ पर नहीं है, ये तो हमने अभी निकाला हुआ था बकरा ईद के लिए, बाकी सामने वहाँ ये ऊपर रखा जाएगा क्योंकि साल में एक आध बारी निकलता है, ठीक है। और आगे देख सकते हैं भाई, सामने अपना वॉश स्टेशन है और ये हम हैं, ठीक है। तो बता दीजिए कमेंट करके कैसा लगा आपको भाई, बेडरूम भी दिखा दिया आप लोग को, ठीक है, और ये भी आप लोग देख चुके हैं। तो ये छोटा सा रूम टूर था, बाकी मुझे बहुत मेन बात भी आप लोगों के साथ करनी है, वो मेन बात क्या है आप लोगों को बताऊंगा अभी मैं। तो होपफुली आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा छोटा सा मेरा रूम टूर देखकर और लिविंग एरिया टूर देखकर, ठीक है। और अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि मैं अभी ये बिना माइक के शूट कर रहा हूँ यार, क्योंकि अभी अभी व्लॉगिंग शुरू करी है और यहाँ माइक वाइक में मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आईफोन से ही सही शूट हो जाए, वरना कैमरा वगैरह तो आगे फ्यूचर में देखेंगे, वो फ्यूचर प्लान है वो। तो बाकी वॉइस का पहले एक बार बता दें, बाकी मुझे फील आ रहा है कि हाँ अभी तो वॉइस सही है क्योंकि यहाँ पे खुद ही इतना ज़्यादा साइलेंट है, ठीक है। बाकी अच्छा भी गैस करिए मैं कहाँ पर हूँ, ऑब्वियसली बात समझ जाएंगे, मैं अभी अपने रूम के अंदर हूँ। और भाई यूट्यूब पे करियर बनाने की सोच ली है, रुकना नहीं है, व्लॉगिंग बनानी है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने एक बार देख ली आगे के सारे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स मेरे आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए अच्छा अब प्लान में क्या कर रहा हूँ तो थोड़ा वो आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्लान, दिल्ली टू लंदन, कनाडा टू इंडिया बहुत लोग जा रहे हैं, इंडिया टू यूएस बहुत लोग जा रहे हैं, मैं कहीं अलग जगह का प्लान कर रहा हूँ, अभी सोचा है क्योंकि हर चीज़ के अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो गाइज मैं अभी सोच रहा हूँ कि कम से कम मैं इंडिया में अपनी कैपिटल सिटी दिल्ली से मैं जाऊँगा मक्का, जी हाँ, जहाँ पे हम लोग हज या उमरा करने जाते हैं सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पर मैं भाई पैदल तो जा नहीं पाऊँगा, ये सब प्लान कर रहा हूँ। शहाब भाई पैदल गए थे अभी, आप लोग जानते होंगे उन्हें, पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड भी इस टाइम उन्हें जानता है, शायद फेमस हैं भाई, लेकिन मैं बाय कार जाऊँगा, ठीक है। तो उसी का प्लान वगैरह मुझे करना है, रोड मैप वगैरह बनाना है, उसके रिगार्डिंग आप मुझे कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए भाई, ओके। भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, अभी आप लोग को बताने के बाद मम्मा से डिस्कस करने गया था कि मैं मक्का प्लान कर रहा हूँ बाय कार से जाने का, तो मम्मा ने छूटते बोला कि जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, कहाँ जाओगे क्या क्या तो मैं अभी कुछ पता भी नहीं है। तो मतलब कहने की बात है वो एकदम गुस्सा हो गई और डांटने लगी कि तुझे पीटूंगी, यह है वो है। तो मैं भाई उनसे बच बचा के दोबारा रूम में आके अपने बैठ गया हूँ और मैंने गेट वेट बंद कर लिया है ताकि आपको उनकी आवाज़ ना जाए, ठीक है। अच्छा मुझे एक बार आप सजेशन दीजिए कि जाना सही है, क्या मैं कुछ नया कर सकता हूँ, तो एक बार प्लीज़ बताइए, ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बता दो। और हाँ अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना यार, ओके। जब कोई काम नहीं होता तो नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो मैं भी अभी मम्मी की डांट खा के सो गया था कि मम्मी ने मक्का के लिए तो मना कर दिया कि नहीं अभी कोई जाना नहीं है, लेकिन मैंने कहीं और का प्लान करा है क्योंकि भाई चुल तो उठी मेरे अंदर कि मुझे इंडिया से बाहर कहीं तो जाना है, तो गैस कर लेना कहाँ जाऊँगा। और वो ट्रिप ना मेरा एक दिन का होगा सिर्फ, कि एक दिन के अंदर इंडिया से बाहर है और एक दिन के अंदर इंडिया के अंदर, तो गैस करो मैं एक दिन के लिए कहाँ जाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी अभी ये बता रहा हूँ कि मैं आउटिंग पर जा रहा हूँ, आउटिंग पर मेरे कलीग से आसिफ सर, उनका फ़ोन आया था, वो मुझे पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, तो जल्दी से थोड़ा ड्रेसअप वगैरह होते हैं और चलते हैं थोड़ी सी आउटिंग पर और दिखाते हैं आपको मेरठ की आउटिंग। तो भाई कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, चेंज नहीं करा भाई, शूज़ वगैरह मैंने पहने थे, और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे तक क्योंकि वो मुझे बीच रास्ते में से पिकअप करने वाले हैं। अच्छा एक बार ये घर का भी थोड़ा व्यू देख लीजिए, फिर आप कहेंगे कि मैंने आपको बाहर से घर नहीं दिखाया।
तो दोस्तों लिफ्ट ले ली है और लिफ्ट लेकर मैं पहुंचा हूं बीएवी इंटर कॉलेज के सामने, जहां पे आसिफ जी मुझे पिकअप करने के लिए आ गए हैं और इनके साथ चलते हैं आउटिंग पर। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ मिनट के चाट रेस्तरां के अंदर, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अपना टेस्ट चेंज करना था। बाकी आसिफ सर का तो मन नहीं था, लेकिन मेरा ही मन था। सामने नोट कर सकते हैं कुछ यहाँ पे अपने लोगों ने विशिंग चिट्स वगैरह भी लगा रखी है, तो अगर आप आएँ तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी इसका इंटीरियर तो बहुत ज़्यादा यूनिक है, फोटोग्राफी के लिए वीडियो के लिए काफ़ी अच्छा है। कोटेशन देखिए, गर्व से कहो हम चटोरे हैं, तो ऐसी कोटेशन भी आप यहाँ पढ़ के इंजॉय कर सकते हैं, जो कि सच बात भी है। हाँ हम चटोरे हैं, तभी तो भाई यहाँ पर आए हैं। खैर मैं यहाँ पर कुछ ऑर्डर नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। एक आलू टिक्की मैंने चेक करी अप्रोक्स वही 250 रुपये की थी, तो हम लोग ये रेट देकर यहाँ से निकल जाते हैं। शर्माने की बात नहीं है भाई, क्योंकि आउट ऑफ बजट जा रहा था। तो हम लोग बाइक पर दोबारा बैठते हैं और तलाश करते हैं किसी यूनिक चीज़ की, जो टेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो एक बार सजेस्ट करिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। तो बहुत देर बाइक पे घूमने के बाद मुझे याद आता है कि हमारे मेरठ में एक जानी पहचानी और 40 साल पुरानी दुकान है नवनीत अंकल की, जहाँ पर कम से कम 20 से 22 तरीके की पेटीज़ मिलती है। और यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट पेटीज़ ऑर्डर करता हूँ, जिसका नाम है बन पेटीज़, या आप उसको बर्गर पेटीज़ भी कह सकते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में उसका प्राइस 40 रुपीज़ का था जब मैंने खाने शुरू की थी, बट अभी इसका प्राइस 100 रुपीज़ हो चुका है। बाकी इसके टेस्ट के आगे 100 रुपीज़ भी कुछ नहीं है। लेकिन एक बार मैंने आसिफ जी से पूछा कि ये बताइए सर आपको ये पेटीज़ खा के कैसे लगती है, तो एक बार देख सकते हैं आसिफ सर का भी रिव्यू बहुत अच्छा रहा पेटीज़ को लेके, भले उन्होंने फर्स्ट टाइम खाई थी। चलिए दोबारा से इस पेटीज़ को एक बार मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ क्या इसका टेस्ट अभी भी पहले वाला है। तो भाई खाने के बाद मालूम होता है हाँ इसका टेस्ट तो अब भी वही वाला है जो मैंने पहले खाई थी। तो जल्दी से पेटीज़ ख़त्म करते हैं और चलते हैं यहाँ से। अच्छा गाइस एक बात और ध्यान रखिए, अंकल की शॉप के सामने ही इनके लैंडलॉर्ड भी रहते हैं और उनका कूलर बहुत पुराना हो चुका है, तो प्लीज़ मतलब एक तरीके से गल चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इस कूलर के नीचे बिल्कुल भी खड़े मत होइएगा, पता नहीं कौन सी सरकमस्टेंस या कुछ प्रॉब्लम हो जाए आपके साथ। ठीक है बाकी निकलते हैं यहाँ से। तो चलिए अभी आप लोग को लेके चलते हैं एक और यूनिक प्लेस पे, जहाँ पर बेसिकली आसिफ सर को थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। तो अभी हम लोग निकले हैं यहाँ से पेटी खाने के बाद दुबई स्टोर। जी हाँ हमारे मिरेड के अंदर भी दुबई स्टोर खुल चुका है, तो वहाँ मुझे बेसिकली ये चेक करना है कि दुबई स्टोर के अंदर ऐसे कौन कौन से ब्रांड हैं जो अभी तक इंडिया के अंदर नहीं आए हैं। तो गैस करिए कौन सा ब्रांड ऐसा हो सकता है। बाकी आप एक बात नोट कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके पीछे से ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर था और बिना माइक के भाई वॉइस रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। जो न्यू व्लॉगर हैं तो इस बात को ध्यान रखें भाई, व्लॉगिंग के लिए जेब ढीली करनी पड़ेगी। ओ माय गॉड सामने देख सकते हैं मुझे एक लाइव एक्सीडेंट मिला है, होप ये भाई सही हो, आप भी विश करिएगा। तो खैर बाकी भाई को विशिंग देते हुए हम लोग पहुंचते हैं दुबई स्टोर और वहां जाके चेक करते हैं क्या ये ऐसा सच है।
तो चलिए भाई लग जाते हैं अपने मिशन पर और सर्च करते हैं कोई ऐसा ब्रांड जो अभी तक इंडिया के अंदर यूज़ ना हुआ हो। तो आप भी मेरे साथ देखते रहिए, मैं भी बहुत अच्छे से देखता हुआ चल रहा हूँ क्या ये सारे ब्रांड इंडिया के अंदर यूज़ हुए हैं। अगर आपको कोई लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी भाई मुझे तो अभी तक ऐसा नहीं लगा कि एक भी ब्रांड इंडिया के अंदर यूज़ ना होता हो, ऑलरेडी ये सारे ब्रांड इंडिया के अंदर यूज़ होते हैं, तो है ना हमारा देश महान। बाकी भाई एक बात बताऊँ, यहाँ घूमते घूमते ना मेरा तो लालच आ रहा था कि यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ परचेज कर लूँ। बाकी आसिफ सर के चक्कर में यहाँ मुझे भी इतना कुछ पसंद आ जाता है कि मुझे भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ जाती है। तो एक बार देखते हैं कि मुझे क्या क्या पसंद आता है और क्या क्या चीज़ मैं यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली आसिफ सर सामान लेने के लिए आए थे बट मुझे भी इतना कुछ पसंद आ गया। बकेट में देख सकते हैं एक बार आप, और बस इतना काफ़ी है, वरना यहाँ तो जितना घूमेंगे उतनी चीज़ें पसंद आएंगी। अब बस ऑर्डर करा लेते हैं एक बार। तो फाइनली होपफुली घर आ चुके हैं भाई, और पीछे की वीडियोस के अंदर बाहर बहुत शोर था। मतलब ये पता लगा कि यार अगर आपको कहीं साइलेंट प्लेस से हटके वीडियो बनानी है तो वहाँ तो माइक की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं घर हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है क्योंकि यहाँ हर जगह साइलेंट ही है। बाकी मैं अभी दुबई स्टोर में था और अभी हम लोग पेडीज भी खाने गए, आपने देखा होगा प्रीवियस पार्ट के अंदर, तो भाई वहाँ मुझे माइक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, खैर बाकी अभी देखा कि शॉपिंग भी कर ली मैंने, अच्छी खासी शॉपिंग भी हो गई है, वो भी सडन शॉपिंग, वरना मैं तो लेटा हुआ था, सर का फ़ोन आया कि भाई चलो चलते हैं थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं। खैर अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। बाकी अभी हमारे घर पे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्लिप में देखा होगा कि हमारे सोफे के पास कुछ भट्टी रखी थी कबाब की, देखा था। तो घर वाले बोलने लगे कि भाई एक काम करते हैं, उस भट्टी को ऊपर रखने से पहले एक बार कबाब और लगा लेते हैं क्योंकि फिर तो अगली साल ही बकरीद पर निकलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर अभी ऊपर लोग कबाब लगा रहे हैं, कैसे कबाब लगा रहे हैं एक बार उसको भी देखकर एंजॉय करते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ मोमडन्स में कैसे कबाब लगते हैं। बाकी जो लोग मोमडन्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं ऊपर जहाँ पे लोग कबाब लगा रहे हैं। चलिए भाई, वेल आपने देखा था कि मैंने आपको मॉर्निंग के पार्ट के अंदर दिखाया था कि ये हम लोग का घर है, बाकी इस गेट के उस साइड नहीं दिखाया था। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ये हमारा पुराना घर है, तो ये फैमिली इस टाइम बैठी हुई है, बिल्कुल काम करने वाले ये सारे लोग लग रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं बेसिकली कबाब वाले भैया। अच्छा ये किधर कैफ है भाई, सॉरी सॉरी भाई, मुझे लगा कि शायद ये कोई कबाब वाले भैया हैं, लेकिन ये हमारे घर के मेम्बर हैं। तो चलिए एक बार कबाब को टेस्ट कर लेते हैं कि किस तरीके के कबाब लगे हुए हैं भाई। सुपर। अच्छा एक बार सीख भी हमारे पास आ चुकी है और सीख पे कबाब खा के देखते हैं कैसा लगता है, बट मैं खाऊं कैसे अभी, चलिए इसको निकाल के खाते हैं।
तो भाई फाइनली अभी आप लोग ने देखा था कि हमने पूरे दिन के अंदर कितना एंजॉय करा, और आज मैंने आपको अपने डे वन के ब्लॉग के अंदर पूरी जर्नी दिखा दी, और होपफुली आपको मजा आया होगा कैसे दुबई के अंदर हमने शॉपिंग करी, सॉरी दुबई स्टोर में शॉपिंग करी। ठीक है, अभी कबाब खाने के बाद और थोड़ा संगवाने के बाद बहुत सारा काम था, तो मैं अभी कजन मेरे पास आइए आइए इनसे मिली हमारी छोटी कजन, ये है चाचा की बेटी, मतलब मेरी कजन है, छोटी बहन है, और इसने ये ऑर्डर करी है ऑनलाइन से मैजिक वाटर बुक। तो एक बार मैं इसमें देखता हूँ कौन सा मैजिक इसमें आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसी कुछ बुक को, एक बार नीचे दिखाइए। देखो यहाँ पे ये पेज इसका एकदम रफली पेज है, और अगर हम इसको नॉर्मली पेन से अगर कलर करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम एज इट इज वैसा ही हो जाएगा जैसे आपको इस वाले पेज पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके घर के अंदर भी कोई स्मॉल किड है और जिसमें जिसको इंटरेस्ट है ड्राइंग में या कुछ भी, वो मतलब फोन में लगा रहता है, तो मैं एडवाइस देना ये चाहूंगा आप लोग भी उसके लिए ये वाली बुक ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली ये बुक ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 180 रुपीस के आसपास आप लोग को अमेजोन से मिल जाएगी। ठीक है, और देख सकते हैं कितना ज्यादा इसके अंदर, मतलब मुझे भी मजा आ रहा है, और जब बच्चे खुद से करेंगे इसको तो उनको कितना ज्यादा मजा आएगा। तो मतलब कहने की बात है, अभी रात का आधे से एक घंटा मेरा इसमें जाने वाला है, और इसको करते करते मुझे अपने बचपन की याद आ रही है। बेसिकली डैडी कभी ऐसी मेरे लिए बुक लेकर आए थे, तो एक बार आप लोग देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं हमारे घर के अंदर अंधेरा हो चुका है, फ्लैश लाइट के अंदर वीडियो शूट करनी पड़ रही है। बेसिकली हमारे एरिया के अंदर बहुत टाइम से, जब से मतलब बारिश आई है, आपको पता है अभी 2023 के अंदर बहुत जगह बाढ़ आ गई है, तो हमारे यहाँ भी बारिश की वजह से लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो खैर लाइट चली गई है, और ये फ्लैश लाइट के अंदर मुझे वीडियो शूट करनी पड़ रही है, ड्राइंग मैं कर रहा था, ड्राइंग करते करते लाइट चली गई है। लेकिन पीछे आप मेरी शेडो देख रहे हो, कितनी बड़ी शेडो पीछे मेरी दिखाई दे रही है, और अभी भी मैं आपको कुछ ये बच्चों वाली हरकतें करके दिखाता हूँ जो हम लोग बचपन में किया करते थे अपनी शेडो के साथ। तो आइए थोड़ा टाइम पास वहीं कर लेते हैं। तो भाई देख सकते हैं किस तरीके का पोज मैंने बना रखा है, तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आपको शेडो के अंदर कौन कौन से पोज आते हैं। देखो दिल तो बच्चा है, जितनी भी एक्टिविटी करते रहोगे ना, बचपन को याद करते रहोगे, और बचपन तो वापस आने का नहीं है, लेकिन भाई ऐसी ऐसी हरकत करते रहोगे तो बचपन की याद तो आती रहेगी ना आप लोग को। बाकी शेडो के अंदर और कौन कौन से पोज बनाने आपको आते हैं प्लीज़ जल्दी बना के दिखाइए, बाकी मुझे टैग भी कर सकते हैं आप, और देखते हैं लाइट कब तक आती है यार। तो भाई फाइनली लाइट आ चुकी है, बहुत देर वेट करने के बाद, गर्मी में हालत खराब हो गई थी। वेल, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूं, मुझे उम्मीद है कि पूरी व्लॉग के अंदर आपको मजे आए होंगे। यार फर्स्ट व्लॉग बनाया है मैंने डेली व्लॉग का, थोड़ा लंबा हो गया हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कुछ कमी लगी हो तो प्लीज़ बताइएगा, लेकिन अपने कीमती टाइम में से थोड़ा टाइम निकाल के मेरे इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आप ही का है। ठीक है, क्योंकि यार मैं भी तो आप ही का ही हूँ, तो बाकी आपसे सपोर्ट की गुजारिश है, प्लीज़ सपोर्ट करिए चैनल को, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, और 1000 पूरे होने के बाद मैं आपको इंडिया से बाहर लेके चलूँगा एक दिन के लिए, एक दिन के लिए इंडिया के बाहर जाएंगे और एक दिन के अंदर ही इंडिया के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसी जगह मैं आप लोग को लेके जाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लीज़ कर दीजिए, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी हम लोग इंडिया से बाहर चलेंगे। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही, बाकी बात करता हूँ मैं आपसे आगे के किसी ब्लॉग के अंदर, और कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा, वरना प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही, टिल देन गुड लक, गुड बाय एंड पीस आउट।